अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ का मौसम देखें कैसा है, हवा चल रही है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बाकी ईद कैसी गुजरी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी बस सब उठ चुके हैं, उठ तो खैर 10 बजे के गए हैं, नाश्ता भी हो गया और उसके बाद आज जो रिव्यू किया है मेरे हस्बैंड ने वो किया है केक रस्ट, जो रात को हमने बाय किए थे तो उनका रिव्यू किया है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा आगे वीडियो में, वो भी है। और इसके अलावा भी मुनीफा महा लेट उठे हैं, उन्हें भी नाश्ता करवा दिया है और क्लीनिंग भी हो गई और किचन भी साफ हो गया। अभी हो सकता है कि थोड़ी देर में बाहर जाएँ। आपको कर दूँ पिटाई, हैं पिटाई कर दूँ, हैं कर दूँ। मामा को मार पड़वा रहे हो, ये क्या के खाना जो है ना मैं खिलाती हूँ ना, खाओ मत खाओ खाना, छोड़ दो और करूँ, छोड़ दो खाना और करूँ और आप ऊपर तो फेस करो, उधर तो करो, देखो तो सही, इधर देखो जरा, मैं इधर आऊँ, ठीक है ये खाना छोड़ो, मैं नहीं अब मैं जा रही हूँ, मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। हाँ जी, और नहीं मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, खबरदार है मुझे बुलाया तो नहीं, अब ऐसे नहीं छोड़ दो मुझे, मैं नहीं, अब आपने मुझे मार पड़वाई है। तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर वैसे आउटिंग के लिए, ये है बेसमेंट से गाड़ी बाहर निकलने वाला रैंप, तो हस्बैंड गाड़ी निकालेंगे, बच्चे उनके साथ हैं, मैं ज़रा आ जाती हूँ यहाँ पे क्योंकि जो ट्रैश वगैरह होता है वो फिर डिस्पोज कर देते हैं उधर सामने। सीरियस नहीं हो, हम किस एरिया की तरफ जा रहे हैं? हम किस एरिया की तरफ जा रहे हैं? हम रूवी रूवी मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं तू। तो यहाँ हम पहुँच गए थे पाकिस्तान स्कूल मस्कत, और यहाँ पे स्कूल तो बंद है बट यहाँ पे ग्राउंड में काफ़ी बच्चे खेल रहे थे, तो फिर उमर को भी दिल किया क्रिकेट खेलूँ, उमर को अब उमर को बॉलिंग सिखा रहे थे, तो यहाँ बच्चे खेल के वापस यहाँ से फिर वापसी का सफर शुरू। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनेया, मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं सारी। तो जो बाहर से आए थे तो उसके बाद ये भिंडी का सालन मैंने आज बनाया था, और थोड़ा ही बनाया था क्योंकि मैं नहीं खाती भिंडी, सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था, तो मैंने खुद तो जो कल बिरयानी बनाई थी मैंने तो वही खाई है। तो अभी ये मैं बना रही हूँ बारीक सेवइयां जो होती हैं ये वो वाली, तो आज दिल कर रहा था खाना खाने के बाद कि कोई मीठी चीज़ हो, तो वैसे तो कल सोन पापड़ी खा ली थी लेकिन आज जो है ना सेवइयों का दिल कर रहा था, तो अभी मैं सेवइयां बना रही हूँ, इसको बना के फिर इसकी फाइनल आपको लुक दिखाती हूँ। ये जी हम आए हैं क्योंकि उमर ने वहाँ पे अपना बैट गुम कर लिया था, और अभी इसको ये था कि अभी बैट लेना है, सो अभी बैट लेते हैं इसका। ये है टॉय सेक्शन, और मुनीफा अपना देख रही है और हम जाते हैं उमर के साथ उमर का बैट देखने, सारी वही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में भी इजीली मिल जाती हैं, और ये बैट बच्चे स्टोर से होके अपने अपने टॉय लेके इधर आ गए हैं और यहाँ पे अपना खेल रहे हैं, उधर महद जो है उमर वो अपने बैट बॉल के साथ खेल रहा है। एक्चुअली ये जो जिस स्टोर पे अभी गए थे वो इसकी फ्रंट साइड पे अल्कबाइल, और ये जो पार्क है ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड है, तो अब इधर आए हैं और बच्चे जो है वो अपना अपना खेल रहे हैं। ओके जी, तो बाहर से मैं आ गई थी और आने के बाद कुछ भी ऐसे नहीं करना था, सिर्फ ये बर्तन धोने वाले थे जो कि मैंने धो लिए हैं, और धोते ही मैंने जब नीचे से देखा ये इस कवर्ड को, तो ये मैंने देखा कि यहाँ से बहुत टाइडी हो रहा था, मैंने इसको क्लीन करने के लिए जब खोला मैंने क्लीन किया तो पानी से थोड़ा सा करना था, पानी मैंने जब इसके अंदर डाला तो वो अजीब
इस जगह से बाहर आना शुरू हो गया, ये जो इस जगह से बाहर। फिर मैंने ड्रॉर निकाल के देखा तो इसके नीचे पानी ही पानी था। अजीब, मतलब मुझे समझ नहीं आया, कोई इसका जो लिंक है ये बड़ा गंदा सा इसका बना हुआ है। और इसमें से जो मैंने ड्रॉर निकाला है, ये पानी से उसकी हालत देखें, जो इससे पहले ये फ्लैट यूज़ करते रहे हैं, मैं भी उन्होंने भी यूज़ किया, क्योंकि हमें तो बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ है अभी इसको लिए। तो ये सारा इसका सिस्टम है। तो ये हम नहीं कहते कि हमारे जो है ना पाकिस्तान में ही लोग कंस्ट्रक्शन में इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें लूप होल छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हर जगह यही हाल है। तो ये देखें नीचे से इसकी भी बहुत सारा जंग लगा हुआ है सारा, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो जमा हुआ रहता था और काफ़ी गंदा हो रहा है। और ये सारा मैंने साफ करने की कोशिश की, लेकिन ये जंग है, ये वो नहीं है कि गंद जमा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किचन हो गया था बिल्कुल साफ, और उसके अलावा क्लीनिंग भी मैंने कर ली है, क्योंकि आज यहाँ पे छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो अब सुबह इंशाल्लाह बच्चों का भी होगा स्टडी टाइम, और हस्बैंड ने भी इंशाल्लाह जाना है अपनी जॉब पे। तो अभी हो चुके हैं 12 बज चुके हैं। तो मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।